की वीडियो को देखने से पहले शेयर कर देना, कमेंट कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, देखिए मेरी वीडियो आई है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और शिवरात्रि हो गई, लगातार मेरे दो व्रत हो गए, परसों काशी थी और कल शिवरात्रि थी, तो दो दिन लगातार मेरे व्रत हो गए। तो कोई नहीं, आज स्कूल जाएंगे, कल संडे है, कल फिर छुट्टी है, शायद कल मेरी वीडियो नहीं आएगी, है ना। कल मेरी वीडियो मुश्किल है क्योंकि कल मुझे कई काम है, नहीं हो पाएगा। तो पिछले संडे आई थी, पिछले संडे कोई ऐसा काम नहीं था। हाँ, तो शिवरात्रि भी निकल गई, हवा इतनी तेज़ है, आपको बताऊँ, मैं स्कूटी पे कवर डाल के रखती हूँ, बाहर ही खड़ी रहती है, अंदर खड़ी कभी जब करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो कवर वगैरह सब उड़ के दूर खड़े जा रहा है। फिर मैंने उसे बांधा, स्टेप लगाया उसका, तब बहुत तेज़ हवा है, आज तो इतनी तेज़ हवा नहीं है। तो नहाना धोना, पूजा पाठ, मंदिर हो आई हूँ। और हाँ, तो बात करते हैं किसकी, आपको पता है, जी हाँ, देखिए वो कह रही है कि मैं आज नाम लेके साफ बोल रही हूँ, मिस्टर सरफराज, कोई कुछ करे तो कर ले। देखिए, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कि जरा सी किसी ने फोटो लगा दिया तो तुमने स्ट्राइक मार दी। जब किसी की इग्निटी पे बात आती है, जब किसी की इज्जत पे बात आती है, जब किसी को लगता है कि ये हमारे गलत बोल रहे हैं, तब कोई ऐसा स्टेप उठाता है स्ट्राइक मारने का। तुम्हारी तरह नहीं, तुम ने स्ट्राइक मार दिया चैनल, है ना, जी हाँ। तो कोई हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी होता है कि स्ट्राइक मार देता है। और देखिए, बात रही प्रमोशन की, इसने कल पूरी वीडियो प्रमोशन पे बना डाली है, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको भी पता होगा, मैं क्या बताऊँ। प्रमोशन आजकल मुझे ऐसा लगता है, इस जो ये चल रहा है, ये लूडो वाला, हर कोई कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, शिवानी कुमारी ऑफिशियल, मैं उसका देखती हूँ हमेशा, ब्लॉग देखती हूँ उस लड़की का, मुझे बहुत उस पर गर्व होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है उस बच्ची पे। उस बच्ची को मैं टिकटॉक के टाइम से देखती हूँ, बच्ची टिकटॉक पे बनाती थी, कितनी गरीब घर से वो बच्ची थी, कितनी गरीब घर से बच्ची थी, और आज उसे देखिए वो भी इसका प्रमोशन कर रही है। अब तुम कहोगी मैं उसका प्रमोशन करूँ, उसे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ उससे कितने लोग मिलने आते हैं, तो वो भी इसका प्रमोशन कर रही थी। और आपको संभावना सेठ तो वो है, क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी है, उसके हस्बैंड ने भी प्रमोशन किया है। तो प्रमोशन ये लोग जितने यूट्यूबर हैं करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, लेकिन अगर आपको मुद्दा चाहिए, मैंने आपसे बार बार कहती हूँ, वो बातें मत लाइए जो पब्लिक को पता है। हम लोग यूट्यूबर हैं तो हम यूट्यूब बहुत लोगों की वीडियो देखते हैं, और शायद गुटका किरण तू भी देखती होगी, है ना, और लोग भी देखते होंगे, तो बहुत प्रमोशन चल रहा है। जो लोगों को बात पता है उस बारे में बात मत करो, मैं बार बार कह रही हूँ, वो बात करो जो लोगों को पता नहीं है, कुछ पता के लाओ। जैसे मैंने तेरी हिस्ट्री, तेरी कुंडली खंगाल के लोगों के सामने रखी है, है ना, एक एक बात। और ये मत सोच उस बात को कह के मैं छोड़ दूंगी, उस बात को मैं फिर दोहराऊंगी ताकि पता रहे तेरे बारे में, जी हाँ। तो पॉइंट की बात लाइए, तो ये कोई पॉइंट की बात नहीं है, ये हर कोई यूट्यूबर कर रहा है, हर एक को पता है। और बात रही पुश करने की, पुश कोई नहीं करता, हर इंसान समझदार है, हर इंसान कमा खा रहा है, हर इंसान पढ़ लिख रहा है आज के टाइम में, तो कोई किसी को पुश करने से कोई किसी की नहीं करेगा, पुश कोई नहीं करता। वो लोग तो केवल प्रमोशन के लिए देते हैं, आप प्रमोशन कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। तो बस प्रमोशन उन्होंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप करो या नहीं करो, समझे। और देखिए कह रही है, तीन दिन से चार दिन से व्लॉग ना डालने का मतलब इनके घर में कुछ खिचड़ी पक रही है। हर एक के घर में झांकने की आदत है, अगर व्लॉग नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला, डाल रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, है ना, डाल रहे हैं तो इन्हें जो है, ये इनके घर से जनाजा निकलेगा तो भी ये व्लॉग बना देंगे। तो ये बात इसने परसों की वीडियो में अपने कही थी, आप देखिए इतनी गलत बात कही थी। और अगर चार दिन व्लॉग नहीं आया है तो बोल रही है कि इनके घर में खिचड़ी पक रही है। आप नोट करिए इसकी बातें, कहाँ लॉजिक है इसकी बातों में। खिचड़ी पक रही है तो दाल चावल तेरे घर से गए थे क्या, जो तुझे पता है कि इनके घर में खिचड़ी पक रही है, तुझे कैसे पता खिचड़ी पक रही है, हैं। अरे गुटका क्यों, तुझे नहीं पता चला, चार दिन सरफराज क्यों नहीं आए, तुझे नहीं पता, तू तो बहुत झाँकती है औरों के घर में, तू तो दाई है सोशल मीडिया की, तुझे तो पता होना चाहिए क्योंकि तुझे पॉइंट चाहिए। हाँ, अगर वीडियो रोज़ डालते हैं तो कहती है इतनी इतनी बात के वीडियो डालते हैं, इतनी इतनी बात को वो बना के सोशल मीडिया पे दिखाते हैं इनके घर से, मतलब मैं तो बार बार नहीं कहूँगी, कोई ऐसा होगा तो भी ये वीडियो बना देंगे, और नहीं डाली तो क्यों नहीं डाली, तो खिचड़ी पक रही, क्या बात है, पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। गुटका क्यों, कोई तुझसे पूछे,
कोई तेरी वीडियो को देख के बताए कि पब्लिक को कैसे सी बनाया जाता है। और मैं तो समझती हूँ जो तेरी ऑडियंस तुझे देखती है, जब आप सवाल करती है दोनों चैनल पे, वो बिल्कुल सबसे माइंड से बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सोचे समझे ने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। बस जी हाँ, और क्या चीज़ बेवकूफ बनाना तुझसे अच्छा कौन जानता है। जी हाँ, और हाँ एक चीज़ तीन बार बोली थी कल की वीडियो में, एक एक चीज़ को तीन तीन बार बोली है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। जी हाँ, देखिए मिर्च पकोड़ा पता है, मिर्च पकोड़ा क्यों बनाया था तुझे, मिर्चें लगाने के लिए तुम जैसे लोगों के लिए। उन्होंने शुरुआत मिर्च पकौड़े से क्यों करी ये नहीं तुम समझी, तू आगे और बताऊँगी इसके बारे में। इसने कितनी मतलब कैसे पब्लिक को घुमाती है, बेवकूफ़ समझती है बिल्कुल पब्लिक को, क्या रह 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 पकोड़ा है ना, अच्छा नहीं लगा तुझे पकोड़ा रह 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 है। पब्लिक सब जानती है, क्या जानती है अब बताती हूँ मैं, कैसे जानती है बताती हूँ अभी आपको मैं, अब बताती हूँ आपको। अफरोज चैनल पे आती हूँ, इसने दूसरी वीडियो जो बनाई वो अफरोज चैनल पे बनाई, वो तो केवल उसने एक प्रमोशन पे ही बोल के बना दी, कुछ नहीं था वीडियो में, और वो सबको पता है ना। जी हाँ, अब आते हैं अफरोज जी के बारे में, इंसान के कह रही है उसके लड़के के लिए, अरे बेटा तू अभी अंडे में से तो निकला नहीं, अभी अभी अंडे में से निकला है या अंडे में से निकला नहीं। लैंग्वेज देखिए आप, माई डियर लैंग्वेज देखिए आप कि लैंग्वेज किस तरीके की है इस औरत की। अपने आप को पढ़ी लिखी बताती, पढ़ी लिखी तो ये 1000% नहीं है, 1000% नहीं है, मैं आपको बताऊंगी पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है। देखिए 16 साल की उम्र में एक रिश्ता हुआ, लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, इसकी चाल चलन देखने के बाद, इसका मैं आपको क्या बताऊँ, सारी एक एक रिपोर्ट मेरे पास है, चाल चलन देखने के बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। 17 साल की उम्र में भाग के आ गई, इस बाहर पढ़ती थी, बताती है ये कि बाहर पढ़ती थी, वहाँ पर भी इसने रह के पढ़ाई तो करी नहीं, बीपीओ में जॉब करी, पढ़ने जाता है बच्चा तो पढ़ता ही है ना, बीपीओ में जॉब यानी कि कॉल सेंटर में इसने नाइट ड्यूटी करी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 17 साल की उम्र में भाग के आ गई, नाबालिग थी, इसका बाप ले गया, बच्ची पैदा हुई 17 साल की उम्र में, 4 साल बाद वापिस आई, 4 साल वापिस आके लॉकडाउन लगा हुआ था, 2021 में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके लड़का पैदा हो गया। ठीक है, ये पढ़ कबला कबली मेरी समझ में नहीं आती, समझे। हाँ तो इस पढ़ी लिखी तो है नहीं, कह रही अंडे में से अभी तू निकला है, तो अंडे में से निकलते हैं इंसान के बच्चे, मुझे तो ऐसा लगता है पेट में से निकलते हैं शायद, अंडे में से शायद ये निकली है, गुटका क्यों अंडे में से निकली है शायद, है ना, हाँ अंडे में से निकली है, तभी तेरी बात बिल्कुल क्या बताऊँ, इसलिए तो झूठ बोलती है, हाँ अंडे में से ये निकली है। जी हाँ, और बात बहन की करती है, फिर इसने अफरोज की बहन की बात करी कि अपनी बहन को सपोर्ट नहीं करती, देखिए जीनी और नाजिया की बात करती है, वो अपने सपोर्ट नहीं करते है ना, अब अफरोज और अफरोज की बहन की बात ही, वो सपोर्ट नहीं करती, उधर उसे भी बोलती थी शीला भाई को, वो तो गंदी औरत थी है ना, ठीक है, तू अपने नल्ले की बहन को सपोर्ट कितना करती है, वो भी तो घर में ही बैठी है, तलाक हुए भी 2 बार तलाक हुई है और वो घर में बैठी है, तू भी तो उसे सपोर्ट करो, तुझे सबकी बहनों की बहुत चिंता है, अपने नल्ले की बहन की चिंता नहीं है, अपने परिवार की लड़की की चिंता नहीं है तुझे, तूने एक वीडियो में अपने कहा है कि ससुराल वालों से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ना कभी मैंने सपोर्ट मुझे उनसे उम्मीद करती थी और ना करी है, ना कभी आगे करूँगी, ये तूने बात कही है, तो अपनी परिवार की सपोर्ट तो कर, प्यार में बहुत बड़ी शक्ति होती है समझे, बहुत बड़ी जीत होती है प्यार की। जी हाँ, तू कैसे प्यार करती है, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, इसकी डेफिनेशन फिर कभी वीडियो में बताऊँगी। देखिए बहुत बातें हैं मेरे पास इसकी, बहुत बातें हैं, बहुत मतलब मैं अगर लगातार बताऊँगी तो 15-20 दिन की वीडियो निकल जाएगी, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। तो हाँ, अपने नल्ले की बहन की चिंता करना, औरों की बहन की चिंता करती है, वो भी तो घर में बैठी है 2 बार की तलाक हुए भी, औरों के तलाक के बारे में बात करती है, औरों की मतलब बहनों में की बहुत चिंता है, अपने नल्ले की बहन की चिंता नहीं है। देखो एक बात देखो कि मिर्च के पकौड़े बनाएगी तो गुटका, देखिए एक बात देखिए आप, सोचने समझने की बात है आपको मैं बताती हूँ, मिर्च के पकौड़े वो बनाएंगी तो कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और शुगर बढ़ेगी, तला भुना मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे तो तला भुना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और देखिए कितना ऑयल का इन्होंने मिर्च का पकौड़ा बनाया है, ठीक है, और समझे। दूसरी वीडियो में इसने क्या कहा अफरोज की कि अरे तुम सामान खरीद के लाई अपने उसका शॉपिंग करके लाई हो रमज़ान की, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो लाई नहीं हो जो रमज़ान में इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा रमज़ान में जो है तेल इस्तेमाल होता है, मसाले इस्तेमाल होते हैं, ये बात इसने दूसरी वीडियो में कही। भाई जब तूने कहा कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तला भुना खाने से, तो यहाँ पर तेल की बात कहाँ से आ गई कि तेल सबसे ज़्यादा खर्च होता है,
तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तेरी बात में पकड़ने के लिए बैठी हूँ, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा लोगों को कि सबसे ज़्यादा तेल ही आता है, मिर्च आती है, मसाले आते हैं, पकोड़े, क्योंकि पकोड़े बनते हैं हर रोज़, तो उनके पकोड़े बनाने में तो लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। और यहाँ तो खुद कह रही है कि अफरोज जो है बिस्किट वगैरह लाई हैं, नमकीन वगैरह लाई हैं खाने के लिए रमजानों में, तो तुम तेल क्यों नहीं लाई, पकोड़े बनते हैं रमजानों में, तो देखिए आप मसाले आते हैं, हैं रमजान में मिर्च का पकोड़े खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। देखिए रमजान में पकोड़े खाए जाते हैं, क्या बोलेगी इस झूठी औरत से, क्या बोलोगे, ये कुछ भी बोलती है, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है, इसे कुछ नहीं पता होता कि पहली वीडियो में मैं क्या बोल गई हूँ और अभी दूसरी वीडियो में मैं क्या बोल रही हूँ। पब्लिक को केवल बेवकूफ समझती है, समझे, पैदाइशी मुसलमानों को सलाम अलैकुम करना सिखा रही है ये औरत, पैदाइशी मुसलमानों को, है ना, क्या बात है। लोगों को पता चल रहा है कि तू क्या वीडियो बनाती है, क्या नहीं बनाती, एक वीडियो में तो कुछ और कहती है, दूसरी वीडियो में वही बात कुछ और कहती है, समझे। अरे तू क्या बद्दुआ देती है लोगों को डिजिटल भिकारन, तू तो खुद भिकारन है, मत दे बद्दुआ लोगों को, इतनी बुरी बुरी बद्दुआ कल उसे दे रही थी तू अफरोज चैनल के पे, अफरोज को, है ना, गलत बात है। लोग तू तो खुद परेशान है, तू क्यों लोगों को पैसा बद्दुआ दे रही है, और ऊपर से क्या कह रही है कि सिंपथी ले लेके आगे बढ़ गए हैं लोग, इसने इतनी सिंपथी ली है लोगों से, लोगों ने इसे बहुत साथ दिया तो आज ये यहाँ पहुँच गई है। तूने भी तो बहुत सिंपथी ली थी लोगों से, तूने सिंपथी गैंग करके तो तूने लोगों से पैसा मांगा था, तुझे लोगों ने इतना पैसा दिया, इतनी सिंपथी ली तूने, लेकिन तू आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि तेरी इमेज खराब हो गई, तूने अपनी इमेज खराब कर ली है, आज भी तेरी इमेज सोशल मीडिया पर बहुत ख़राब है। जी हाँ, इमेज बनाने में, क्या मैंने कहा ना, इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैसा कमाने में टाइम नहीं लगता, इज्जत कमाने में टाइम लगता है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है इज्जत कमाने में। तेरी जो इज्जत है सोशल मीडिया पे बहुत गलत है, और तू अब भी गलत ही जा रही है, तू पूरी इमेज तेरी ख़राब क्यों हुई, तू गलत गई और हमेशा आज भी तू गलत ट्रैक पर ही जा रही है पहले से ही। अब देखिए इसे पहले से पता चल गया है सबके बारे में कि कौन रमज़ान में इबादत करेगा, कोई कौन रमज़ान में इबादत नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ अंतर्यामी कहते हैं, क्योंकि ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानती है, सबका पता है इसे कि कौन क्या करेगा। अरे अपने बारे में तो पहले पता कर, अपने परिवार के बारे में तो पहले पता कर, जिस परिवार में तू आए बैठी है, समझे। कभी कहती है मेरे बाप ने मुझे सब कुछ दिया है, वीडियो में अपनी सब मेरे पास डाउनलोड करी रखी है इसकी वीडियो, और सब कभी कहती है कि अब बाबू मरेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी। अरे कुछ भी कहती है, कुछ भी कहती है, कुछ नहीं पता। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सुबह के साथ, अच्छी बातों के साथ, है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। ओके बाय।